हेलो शैडो आर्मी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमेशा आप लोग अच्छे ही रहें। तो बहुत से लोगों को मुझे डीएम भी आया था पर्सनली, एंड मैं कमेंट भी चेक कर रहा था। तो सबसे ज्यादा लोगों को था, सर अगर मार्केट हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ डायग्राम में क्लियर बेसिस पे दिख रहा है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। समटाइम क्या होता है, मार्केट स्मॉल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट ने ब्रेक किया, इंगेजमेंट लिया, ट्रेड दे, बट समटाइम क्या होता है, मार्केट इतना बड़ा स्ट्रक्चर कर देता है, काफी दिनों बाद इंगेजमेंट लेता है, देन आप लोग सिर्फ जोन का वेट करते हैं कि जब जोन में आ गए आप यहाँ से मैं बाय करूंगा या इस लेवल पे जब मैं आएगा तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। बट जब इस दौरान जो मार्केट हमारा इंटरनल में घूमता है, इस दौरान जो मार्केट हम लोगों को इंटरनल में घूमता है, तो उसमें हम किस तरीके से ट्रेड करें, देखिए आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ। हम जो ट्रेड लेते हैं दो बेसिस पे लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर बेसिस पे आप लोग अपने क्या करो, स्ट्रक्चर बेस पे ट्रेड लो। सेकंड आप लोगों को लेना है लिक्विडिटी बेस पे, आप लोगों को क्या करनी है, अपनी ट्रेड लेनी है। इन दो बेस पे आप लोगों को अपना ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। अब इन दोनों बेस पे आप लोगों को अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इन दोनों बेस पे आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ किस तरीके से करना है और क्या क्या आप लोगों को देखना है। सबसे पहले सॉरी देखिए अभी क्या हुआ है, आप लोगों को इधर सिनेरियो दिख रहा है सिंपल वेज पे। मार्केट ने क्या किया, आपका इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म हुआ, आप लोगों को पता है एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग, ये मैं बता रहा हूँ आपको भी स्ट्रक्चर वेज पे। आप लोगों को पता है जब मार्केट आप लोगों का इंड्यूसमेंट ले लेता है, देन आप लोग क्या देखते हो, इंड्यूसमेंट के नीचे जो वैलिड पुल बैक होता है विद इम्बैलेंस, जैसे भी आप लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करते हो, उस तरीके से चेक करने के बाद आप लोग ट्रेड फाइंड आउट करते हो, सिंपल सा। और दूसरा लेवल क्या होता है, एक तो इंड्यूसमेंट से नीचे और एक आपका एक्सट्रीम लेवल, इन्हीं दो लेवल्स पे क्या करते हैं हम लोग अपनी ट्रेड लेते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मार्केट क्या करता है, इस लेवल को फेल कर देता है, मान लीजिए इसको फेल कर दिया, ये क्या हो गया आपका ब्रेक हो गया, डिसीजन जोन आपका ब्रेक हो गया। बट उसके बाद आपने देखा कि ये जो एसएमटी है, ये जो आपका एसएमटी है जिसको हम एसएमटी बोलते हैं, ओके दिस एसएमटी एंड ये वाला सेमटी, आपने चेकआउट किया कि मार्केट जब आया वो डायरेक्ट नीचे नहीं आया इस जोन में, मार्केट ने क्या किया, पहले इस एसएमटी ने पुल बैक दिया अच्छा खासा 100 से 150 पिप, फिर दोबारा इस एसएमटी में आया, इससे भी 200 से 300 पिप दिए, देन उसके बाद हमारे जोन में आया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया हमारा टारगेट को दिया। फिर लोगों के दिमाग में आता कि ये एसएमटी से कैसे गया, एसएमटी में तो हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग सिर्फ दो बेस पे ट्रेड करते हैं, इंड्यूसमेंट से नीचे, एक अपना एक्सट्रीम वन जो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। बट इन दो जोन से हम लोगों ने ट्रेड किस तरीके से मार्केट ने दिया और किस वे में हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो देखो सिंपल बेस पे आप लोगों को याद रखना है, देखो आप अपना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, मैं मना नहीं करता कि स्ट्रक्चर बेस पे ट्रेड मत करो, बट आप लोगों को पता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्या होता है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी बेस पे मैं भी कुछ लोगों को आता होगा ड्रॉ करना, बट जिन्हें नहीं आता ये उनके लिए। तो देखिए लिक्विडिटी बेस पे आप लोगों को पता है कि बहुत तरह के हमारे लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन, रिटेलर, स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, ओके प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, मंथली, प्रीवियस स्विंग हाईज लो, ठीक है, तो बहुत टाइप की क्या होती है हमारी लिक्विडिटी होती है। बट मैं आज जो आपको ट्रेड लेवल्स बता रहा हूँ लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड, क्योंकि इन बेस पे तो आप लोग अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता रहा हूँ आज किस पे, सेशन बेस पे, मतलब जो आपका सेशन होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है ये हमारा आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, देखिए तीन सेशन हम यूज कर रहे हैं, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क, ये तीन सेशन आप लोग यूज कर सकते हैं, एंड इंडिकेटर आपका ये है, आप लोग इसे यूज कर सकते हैं एशियन सेशन रेंज, ये चीज आप लोग क्या कर सकते हो अपना यूज कर सकते हो, ये आपका इंडिकेटर का नाम है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रेडिंग व्यू पे, ओके। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क, NY मतलब न्यूयॉर्क सेशन, अलग अलग टाइमिंग है। तो क्या होता है ना सिंपल वेज पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, देखो दो सेशन जो होते हैं हमारे, टू सेशन वो एक वे में जाते हैं, आप वो क्या करते हैं एक वे में जाते हैं, और जो तीसरा सेशन होता है ना हमारा लास्ट, वो क्या जाता है इनका उल्टा, कहने का मतलब अगर दो आपके ऊपर चले गए तो तीसरा क्या जाएगा आपका नीचे, और ये होता ही होता है, ठीक है, ये आपका 90 से 95% यही सिनेरियो बनता है। तो एक चीज याद रखनी है सिंपल वेज पे आपको क्या देखना है, किलिंग सेशन जोन, तो किलिंग जोन कोई एक होता है, और किलिंग जोन वाला सेशन कौन सा होता है, या तो एशिया या न्यूयॉर्क, लंदन में हम क्या कर सकते हैं बीच में बैठ के बस रह सकते हैं, बट अगर ट्रेड्स आप लोगों को लेनी है तो आपको कहाँ मिलेगी, ज्यादातर न्यूयॉर्क में,
लंदन में भी मिलती है, बट न्यूयॉर्क में आप लोगों को ज्यादातर ट्रेड मिलती है। तो न्यूयॉर्क में किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड लेना है, तो सिंपल बेस पे अभी मैंने आपको जैसे कि रिपीट कराया था, लंदन के आपका बाय, न्यूयॉर्क के आपका बाय, तो दोनों सेशन अगर एक रेंज में चले गए तो तीसरा सेशन अब क्या करेगा, उसके अपोजिट मतलब क्या देगा, सेलिंग। तो तीसरा सेशन ने क्या किया, सेल दे दिया। इन केस अगर लंदन आपका सेल होता, लंदन सेल और सॉरी एशिया आपका क्या हुआ, सेल हुआ, लंदन आपका क्या हुआ, बाय हुआ। अब लोग इस केस में कंफ्यूज होते हैं, अगर आपका एशिया सेल हो गया लंदन बाय हो गया, तो सिंपल बेस पे न्यूयॉर्क भी क्या होगा आपका, बाय ही होगा। अब बाय क्यों होगा, बिकॉज एक को उल्टा जाना है, तो ये उल्टा चला गया और दो एक साथ ही जाते हैं, एक चीज याद रखना, दो सेशन एक साथ ही जाते हैं, ऐसे नहीं होगा ये सेल गया ये बाय गया तो ये क्या आएगा, वो आपका सेल हो जाएगा, नहीं, दो सेशन कंटिन्यू कंटिन्यूएशन करते और एक उल्टा जाता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नीचे गया दूसरा ऊपर गया तो तीसरा नीचे आएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो इनका एक रेंज है किस तरीके से मूवमेंट करती है, काफी बार हमने चेकआउट किया है, चेकआउट करने के बाद आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 100% यही होता है, बिकॉज ये मार्केट है, हम भी एक प्रोबेबिलिटी पे गेम कर रहे हैं इस पे, ठीक है, कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती, बस हम टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं, एसएमसी से हम सिर्फ क्या करें, टेक्निकल एनालाइज ले रहे हैं कि हाँ मार्केट का ये हो सकता है कुछ इस तरह से। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि एक सेशन आपको क्या हो चुका है, डाउन आ चुका है, और दूसरा आपका अप जा रहा है, तो तीसरा डाउन नहीं आएगा, तीसरा क्या जाएगा आपका, अप ही जाएगा। तो ये चीजें ना आप लोगों को याद रखनी है कि सेशंस को देखो, अगर एशिया देखो अभी मैं आपको बता दू, एशिया बाय, ओके, लंदन भी बाय, तो न्यूयॉर्क क्या जाएगा, ऑब्वियसली हमारा सेल होगा, फर्स्ट फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड होता है अगर हमारा एशिया बाय है, लंदन हमारा सेल है, तो न्यूयॉर्क क्या होगा आपका, ऑब्वियसली सेल, कंटिन्यूशन देगा आपको, ओके। अब आता है दूसरा, अगर हमारा लेशिया सेल है, लंदन बाय है, तो न्यूयॉर्क क्या जाएगा आपका, सॉरी न्यूयॉर्क क्या जाएगा आपका, बाय ही, न्यूयॉर्क क्या जाएगा आपका, बाय ही जाएगा। तो ये चीजें ना आपको याद रखनी, इसके ना तीन चार सिनेरियो बनते हैं, अप डाउन, तो मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो पहला बना कि एशिया हमारा बाय, लंदन हमारा बाय, तो ये सिंपल है, न्यूयॉर्क हमारा सेल होगा, बट अगर एशिया हमारा बाय है, लंदन हमारा सेल है, तो न्यूयॉर्क क्या होगा आपका, सेल, एशिया सेल है, लंदन बाय है, तो न्यूयॉर्क भी आपको क्या होगा, बाय होगा। तो ये तीन केस आपके क्या बनते हैं, ज्यादातर ये तीन सिनेरियो आपको दिखेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है, ये मैंने आपके सामने इसका ड्रॉ कर दिया ग्राफ, ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो, ये आपने दिमाग में से बिठा लो अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी करनी है एज पर लिक्विडिटी, ओके। तो ये चीजें आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर ये बाय गया तो ये क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए, अगर ये दो सेल गया तो तीसरा क्या जाना चाहिए, बाय, और अगर पहला सेल गया दूसरा बाय गया तो तीसरा क्या जाएगा हमारा, बाय ही जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को ना याद रखना। तो बात आती है कि इसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ भी और लिक्विडिटी मैपिंग पे भी। तो सिंपल बेस पे अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आप लोगों को एक चीज है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर बेस पे कि हाँ यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बेस हम पे क्या है, स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है, कि हम लोगों ने क्या करके अपना स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रखा है, एंड जब मार्केट आएगा तो हम उस पर क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट लेंगे, ओके। बट आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मार्केट क्या होता है ना, उस रेंज में ही नहीं आ पाता, मार्केट क्या करता है, जैसे कि ये अभी इस जोन में आया तो ठीक है, बट अब मान लीजिए आज तारीख है यहाँ पे क्या, 18 अप्रैल है, मान लीजिए आज आया 18 अप्रैल, अब यहाँ पे आ रहा है इस जोन में आता है वो कितना, 1 मई में, तो 18 से और 1 मई के बीच में कितने दिन हो गए हमारे, अगर हम चेकआउट करते तो 12 दिन है, क्या आप लोग 12 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, जी हाँ आप लोग क्या करोगे, ट्रेड करोगे, बट किस बेस पे, लिक्विडिटी बेस पे, ये चीज याद रखनी है, लिक्विडिटी बेस पे आप लोग अपनी इस पे क्या करोगे, ट्रेड करोगे, और किस तरीके से करूंगा मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। देखो दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग, 15 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम है, तो उस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, जोन ड्रॉ करके छोड़ दो, जब तक इन जोन में नहीं आ रहा है तब तक किस बेस पर ट्रेड करना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये हाई भी है और आपके पास लो भी है, दोनों चीजें आपके पास क्या हो चुकी है, कंफर्म, हाई एंड लो आपके पास कंफर्म है, अब मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर में रेंज में है, ठीक है, आप सिंपल से इसका वेट कर रहे, बट मार्केट इधर तो आके टारगेट दिया, बट उससे पहले मार्केट यहाँ पे भी घुमा, बहुत देर यहाँ पे भी घुमा और अच्छा खासा बाय सेल सेल बाय, फिर अपने जोन से आके बाय दिया मार्केट ने, बट ये जो बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये इसको हम कैसे कैच कर सकते हैं, इसको हम कैच करते हैं अपने सेशन बेस पे, आप देख सकते हो
जब तो आपके जोन में आ गया, ये चीज अभी ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। जब तो आप लोगों के ये जोन में आ गया, तब आप लोग क्या करो, अपना चौक बेस एंट्री, फ्लिप एंट्री, सिंगल कैंडल, जिस बेस पे आप लोग ट्रेड चेकआउट करते हो, आप चेक करो और ट्रेड लो। बट जब जोन में नहीं है तब आप यूज करो सेशन। आप देखो अभी जोन में नहीं है तो मान लीजिए ये यहाँ पे ओपन हुआ आपका एशिया सेशन, ओपन हो गया। ओके, अब आपके पास ओपन होता है लंदन, ये क्या हो गया आप लोगों का लंदन सेशन ओपन हो गया। ओके, ये यहाँ पे हो गया आपका लंदन सेशन ओपन। लंदन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ये हो गया आपका लंदन सेशन ओपन। अब सिंपल सा देखिए, अब इसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक जोन भी था, ये क्या था हमारा एक जोन, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर लिक्विडिटी। ओके, बिकॉज एक्सट्रीम जोन से जो ऊपर वाला होता है फुल बैट, उसको क्या बोलते हैं हम, इंजीनियर लिक्विडिटी। तो ये क्या थी आप लोगों की लिक्विडिटी थी। बट इन केस अगर हम इधर देखते हैं, देखो आप तो इसका वेट कर रहे थे, बट मूव मार्केट ने यहाँ से दे दिया, फिर आप सोच रहे यार शायद मार्केट यहाँ से चला गया, बट नहीं, मार्केट ने यहाँ से 100, 50 से 100 पिप दिए, फिर आपके जोन में आया इस वाले में, और उसके बाद आपको आपका टारगेट हिट कराया। बट जो ये मूव थी, ये किस बेस पे ले ली, किस बेस पे उसने इस लिक्विडिटी से ले लिया। अब लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रैप किया है, बट चलो ट्रैप तो किया है, आपको एसएमटी से ट्रेड तो दिया है ना, ट्रैप किया है और 100 पिप दे रहा है, तो ये ट्रैप नहीं होता, ये अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो उस रिस्क रिवॉर्ड को किस तरीके से देखना है, तो देखो अभी आपको जैसे मैं ऊपर बता रहा था मोमेंट जो, तो आप देखो सिंपल बेस पे क्या हुआ, एसिया आपका यहाँ पे आपने देखा, आपका क्या हुआ, एसिया यहाँ पे सेल हुआ। अगेन आपने देखा कि हाँ बैक टू बैक कंटिन्यूशन थी, लंदन मेरा क्या हुआ, सेल हुआ। तो सिंपल बेस पे अब आपका तीसरा सेशन था, वो आपका बाय ही जाना था, 95% क्या था उसका, बाय जाएगा। तो बाय के लिए आपने एक लेवल देखा कि यहाँ पे अनमिटिगेट लेवल है, कि यहाँ से बाय जा सकता है, मैंने कहा वहां से ही जाएगा, जा सकता है। आप चेक करो उस जोन में, आप क्या चेक करो, सिंगल कैंडल एंट्री। सिंगल कैंडल एंट्री में आपको पता है जोन बिल्कुल ही लो रिस्क हो जाता है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होता है, हिट हो गया हो गया, बट अगर मूव ऐसा कैच हो गया तो आपको पता है प्रॉफिट कितना बड़ा मिलेगा, लार्ज ह्यूज प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा विद स्मॉल रिस्क के साथ। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जाम्पल में दिखाऊं, तो देखो सिंपल बेस पे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मैं सिर्फ किस बेस पे ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए। ओके, नॉट फॉर कंफर्म, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी हमारा मार्केट क्या डाउन ट्रेंड है, एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं कुछ ऐसा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैं प्रॉपर बेस पे देख रहा हूँ मार्केट क्या है, अप डाउन हाई है, ये लो है, ये हाई था ये लो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, मान लीजिए ये आपका इंगेजमेंट है, यहाँ पे आप लोगों को क्या है इंगेजमेंट, ठीक है। और ये कोई इंगेजमेंट होगा भी मे भी नहीं होगा, मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। कमेंट में मत लिखना कि आपने इंगेजमेंट का ड्रॉ किया है सर, आपने वो किया है, ठीक। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज याद रखना। ओके, और आपके पास अब इंगेजमेंट लेने के बाद आप लोगों के पास कंफर्म हो गया आपका लो पॉइंट। तो हमने इसका चेकआउट किया कि हाँ इसका हाई किधर है, हमने फाइंड आउट किया भाई, इसका हाई पॉइंट था हमारा ये वाला, इसका हाई पॉइंट था हमारा ये वाला। ओके, क्या था इसका हाई पॉइंट, हमारा ये था। तो हाई एंड लो आपके पास क्या हो गया, कंफर्म हो गया। एग्जांपल के लिए हाई एंड लो आप लोगों के पास ये कंफर्म हो चुका है, ये मार्केट का हाई एंड लो आपके पास कंफर्म हो चुका है। अब बात आती है, हाई एंड लो कंफर्म हो गया है सिंपल बेस पे, तो आप लोग ट्रेड कहाँ पे और किस बेस पे करते हो। तो देखो सिंपल से आप इससे ऊपर जो जोन होता है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इससे अबव साइड मेरे पास ये जोन बचा हुआ है, इससे अबव साइड मेरे पास क्या है, ये जोन आप लोगों के पास बचा हुआ है, ठीक। देन एक्सट्रीम वन पे जाएंगे हम, जो हमारा एक्सट्रीम वन जोन रहेगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्सट्रीम वन जोन को तो शायद मे बी ये मिटिगेट है। ओके, ये जैसे कि यहाँ पे अनमिटिगेट जोन बचा, तो ये दो जोन हमारे पास क्या थे, बचे हुए थे। बट मान लीजिए अब मार्केट ने क्या किया, इस जोन में आ गया, एग्जाम्पल के लिए मार्केट आपका यहाँ पे जोन में आ गया और इस जोन को फेल कर दिया। ओके, आप वेट कर रहे हो कि मार्केट इधर आए और मैं इधर से क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा। बट मार्केट ने क्या किया, इधर M5 का जोन हो सकता है, वीक पे M5 का जोन बन सकता है, ठीक है। तो इधर मार्केट ने क्या किया, अब आपको इस जोन में आने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसे आया यहाँ पे सिंगल कैंडल एंट्री फाइंड आउट हुई, आपने ट्रेड लिया और मार्केट ने आपको ये अच्छा खासा फिर दिया, और फिर मार्केट आपके जोन में, उसके बाद आपको अपना टारगेट दिया। अब लोग क्या बोलते हैं ना कि हम आप लोग एसएमटी में ट्रैप हो गए, चलो ट्रैप तो हुए बट हमें अच्छा खासे
रिस्क लेके गया, रिस्क रिवॉर्ड क्या देके गया, मार्केट हमें अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड देके गया। तो उस रिस्क रिवॉर्ड को किस तरीके से आपको देखना है, तो देखो यहाँ पे अब मान लो इसको मैं रिमूव करता हूँ एक मिनट, ये जैसे हमारा लो था, अब इस लो को क्या करा है, हमारा सडनली ब्रेक हो गया, ये लो क्या हो गया हमारा ब्रेक हो गया, इसको बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि क्लोजिंग मिल चुकी है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन अब हमने फाइंड आउट किया आवर इंड्यूसमेंट, तो हमारे इंड्यूसमेंट कहाँ है, हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया, तो इधर हमने देखा कि हाँ सिंगल लेग में था मार्केट में, जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो इधर था, तो वो इंड्यूसमेंट हमारा इधर था। अब इंड्यूसमेंट से अब अपसाइड जो हमारा जोन है कौन सा है, ये वाला जोन है, बट अभी तक मार्केट क्या इस जोन में आया नहीं आया, अभी तक मार्केट इस जोन में नहीं आया। एंड जो मार्केट आपको एंट्रीज दे रहा है, ये देखो ये जो बाय जा रहा है, ये सेल जा रहा है, ये भी तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है ना कि किस तरीके से हम देखें। तो सिंपल वे में ना यहाँ से बाय अगर आप लोग फाइंड आउट करते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो जो सेशन है हमारा ज्यादातर यूज होता है M5 टाइम फ्रेम है, M5 टाइम फ्रेम में ही यूज करना। तो आप इधर सिंपल बेस पे देखोगे, और ये एनालिसिस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे भी डाला हूँ, ठीक है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे क्या मीडियम है, सेशन से ऊपर क्लोजिंग। एंड अगर आप लोगों को एशियन सेशन के बारे में नहीं पता कि क्लोजिंग एंड स्वीप में क्या करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक दे दूंगा कि क्लोजिंग पे आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, स्वीप पे आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर से देख लेना ताकि आप लोगों को कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। ओके, तो इससे ऊपर हमें क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ से हमारा बाय था, किस तरीके से हमारा बाय था, तो देखिए सिंपल वेज पे मैं आपको ले गया। अब देखो ये सेशन से ऊपर जैसे हमें क्लोजिंग मिली, मैं इसके अब अपसाइड लिख देता हूँ क्लोजिंग। ओके, हमें जैसे क्लोजिंग दी, सबसे पहले क्लोजिंग देने के बाद आपको अब देखो इधर कोई स्ट्रक्चर नहीं देखना है कि ऐसे हाई एंड लो, सिंपल से अगर आपको दिखता है कि प्रीवियस सेशन के हाई से ऊपर क्या दे दिया हमें, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, आपको वेट करना है किसका, M5 में या M3 में एक बार मार्केट क्या करे, अपना फर्स्ट इंटरनल लो ले ले, जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, यहाँ पे एक नया क्रिएट करके इस वाले इंड्यूसमेंट को मार्केट ने क्या किया, ले लिया। इस वाले इंड्यूसमेंट को मार्केट ने जैसे आपको लिया, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, क्योंकि ये आप कर रहे हो किस बेस पे, लिक्विडिटी बेस पे, तो इसको मैं इंड्यूसमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको यही देखना है कि अगर कैंडल ने क्लोजिंग अपर साइड दे दी तो आप वेट करो कि मार्केट क्या करे, एक बार अपना लो ले, जैसे यहाँ पे अगर लो ले लेता ये, तो मैं यहाँ से बाय कर लेता, बट मार्केट ने न्यू क्रिएट किया यहाँ से, तो इसके डाउन साइड में अगर मैं जोन चेकआउट करता हूँ अपना, तो ये एक मेरा जोन है जो कि अनमिटिगेटेड, ये मेरा एक जोन है जो कि क्या है, मेरे अनमिटिगेटेड जोन है प्रॉपर बेस पे। एंड बहुत से लोग कहेंगे ये इनसाइड, नहीं ये कोई भी इनसाइड नहीं, देखो ये प्रीवियस कैंडल हाई लिया, देन इस कैंडल का लो भी इस कैंडल ने स्वीप किया है ऑलरेडी, तो ये एक आपका क्या था, यहाँ से जोन था जो कि हमें यहाँ से क्या करना था, बाय करना था। और ये बहुत मिलती है ट्रेड, सबसे ज्यादा इस बेस पे आजकल ट्रेड कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इस बारे में ही नहीं पता, लोग किस पे बैठे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बेसिक पे, कि स्ट्रक्चर बेस पे हम ट्रेड लेंगे, बट आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग दो बेस पे ट्रेड करते हो, स्ट्रक्चर बेस पे और लिक्विडिटी बेस पे। मे भी ये चीजें आप लोगों को शायद किसी ने ही बताया होगा, दो स्ट्रक्चर बेसिंग पे ट्रेड कर सकते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर पे कैसे तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, शायद ये फर्स्ट पहले ही चैनल है जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोग किस तरीके से ट्रेड करो। अब देखो यहाँ से आप लोगों ने बाय पुट कर दिया, ओके, यहाँ से आपने बाय की एंट्री ली सिंपल बेस पे, ये आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, और ये आप लोगों का पहला अनमिटिगेटेड जोन क्या था, आपका टारगेट था, ओके, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है आप लोगों को इजी वे में। बट अगर हम एज पर स्ट्रक्चर बेस पे जाते हैं, हमारा तो कोई जोन ही नहीं था, हम तो बस इसका वेट कर रहे थे कि इसमें जब आएगा हम अपना ट्रेड लेंगे। देखो इस तरीके से आप लोग वेट करोगे, बट मार्केट तो आपको बाय भी दे रहा है, कभी आपको सेल भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये क्या था आपका, देखो सेल सेल मान लीजिए ये सेशन आप देखते हो जैसे कि, ठीक है, तो सेल बाय जो से मैंने आपको कहा बताया था आउटसाइड 1 मिनट, ये यहाँ पे कहीं, ओके, तो ये देखो इस तरीके से ना आपको स्ट्रक्चर के हाई एंड लो के बीच में फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये आपका स्ट्रक्चर है, इस हाई और इस लो पे आपका कंफर्म हो चुका है, और अब आप लोग ये सीनेरियो चेक करोगे, बीच में ऐसा कुछ दिख रहा है कि हाँ आपको दिख रहा है सेशन बाय गया, इधर मान लीजिए बाय गई, ये देख इधर देखा आपने कि सेल गया, तो आपको जनरली पता बाय जाएगा, अब आप इसका वेट कर रहे हो बट यहाँ से नहीं जा रहा है, बट यहाँ से चला गया, तो इसमें आप सिंगल कैंडल एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ सिंगल कैंडल एंट्री आएगी तो हम बाय करेंगे। एंड मेक श्योर एक चीज याद रखो,
सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, आपका हाई टाइम मुझे नहीं पता आप क्या यूज करते हो, बट मैं पर्सनली जो है वो अपना यूज करता हूँ। मैं किसी को रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा कि ये यूज करो, बट एज अ डे ट्रेडर जो मैं यूज करता हूँ मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। 15 मिनट मैंने यूज करा अपना एज अ डे ट्रेडिंग के लिए। हायर टाइम फ्रेम इस जोन में आएगा तो मैं 1 मिनट में स्विच होके अपना फाइंड आउट करूंगा अपनी एंट्री, बट जब तक इस जोन में नहीं आया तब तक मैं 5 मिनट है ना M5 M3 में ट्रेड करता हूँ। M5 में किस तरीके से आपको बता दिया मैं, M5 में सिर्फ क्या चेक करता हूँ, M5 M3। अब मान लीजिए M5 में भी क्लोजिंग है, ओके, अब M15 में मत यूज करो सेशन, आप लोग सेशन को M15 में यूज मत करो, आप सिर्फ यूज करो M5 एंड M3 में। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया, क्लोजिंग में एंगेजमेंट लिया, मैंने जोन फाइंड आउट किया, और जोन में जब आया तो देन मैंने क्या किया अपना ट्रेड उस लेवल पे ले लिया। तो इस तरीके से क्या करना है ना आप लोगों को ट्रेड लेनी है। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में, एंड जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बार आपको याद दिलाया था हमारे 1K सब्सक्राइबर बहुत ही क्लोज है, तो आप लोग जितने भी नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड जैसे कि हमारा 1K होगा जिसका सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट मिला है, हम कमेंट चेक करते हैं, जिनका सबसे ज्यादा कमेंट है हम उसको फ्री मेंटरशिप मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। 1 पर्सन को फ्री मेंटरशिप दी जाएगी, 500 रुपए मैं ऑलरेडी एक बंदे को दे चुका हूँ जिनका नाम है JMD, ओके। एंड नेक्स्ट आप में से कोई भी हो सकता है जिसका सपोर्ट एंड लव मिलेगा हमें, उसको हम जरूर सपोर्ट करें। यहाँ पे हमारा आज का कंसेप्ट क्लियर होता है। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।